हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीरीज़ चल रही है प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज की चल रही हैं, लास्ट टाइम चिरायू की, आरडीगार्डी की एंड देन श्री अरुबिंदो की बन चुकी है। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि सर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर, कट ऑफ से लेके मेस का एंड सारी नॉलेज जो है हमें मिल पा रही है इसके अंदर, तो हमें अच्छी लग रही है वीडियोज़। और ये इंडेक्स कॉलेज के ऊपर जो बन रही है, बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया, कमेंट्स आए, व्हाट्स इवन जो इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज भी आया कि सर इंडेक्स कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, इसका हॉस्पिटल अच्छा है, इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अच्छा ओवरऑल जो रिसर्च सेंटर है, क्या है सर आप इसमें? बहुत कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, सर इंडेक्स के बारे में सीट ज़्यादा हैं, तो इसमें जो है हम जो है पूरा कवर करेंगे कि क्या इंडेक्स कॉलेज है क्या, जो इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो बिल्कुल कवर किया जाएगा, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कि जैसे अपन करते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, जैसे कि मैंने बताया था औरोबिंदो और आरडीगार्डी जो है इससे पहले इस्टेब्लिश हो चुका है, एक 2001 में और एक 2003 समथिंग में आसपास जो है ये हुआ था। उसके बाद जो है 2006 में इंडेक्स जो है इस्टेब्लिश हुआ था। एंड देन ये कहाँ पर है, तो इंदौर के पास में है, ग्राम मरोधा नियर खुडेल विलेज नेमाबाद रोड समथिंग, जो आसपास जो है ये इंदौर के है। और देन जो है ये एफिलेटेड की बात करते हैं, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो लास्ट की जो देखा था आपने के अरविंदो और देन जो था हार्डी गार्डी, आई थिंक जो है दोनों जो थे आई थिंक ये इससे ही थे, एफिलेटेड थे देवी अहिल्या से। और देन इंफॉर्मेशन जैसी आप जानते हैं कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से जो है परमिशन होना चाहिए, तो इसके पास वो भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस्टेब्लिश भी 2006 में हुआ था, देन देवी अहिल्या की इसके पास जो है एफिलेटेड भी है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि BDS, MS और PG कोर्सेज भी हैं, MD भी होता है यहाँ पर, तो MBBS के साथ साथ जो है वो भी होगा। देन बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि हॉस्टल के अंदर ही जो है रिसर्च सेंटर भी है, हॉस्पिटल भी है, एंड देन जो है यहाँ पर जो है मेडिकल स्टाफ भी रहता है यहाँ पर, एंड देन आर्ट और साइंस के साथ साथ जो है पूरा जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है स्टडी दी जाती है। और जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो बेड जो है, यहाँ जो हॉस्पिटल्स की बेड की कैपेसिटीज़ जो है 1000 बेड जो है यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एंड देन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो स्टूडेंट्स के आ भी रहे थे मैसेज, तो सही है वो बिल्कुल कि सर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इजी को रहेगा स्टूडेंट्स के लिए आगे इन फ्यूचर के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है पेशेंट्स को जो है सही सलामत उनको हेल्दी करके घर पहुंचाया जाता है। एंड देन जो है यहाँ जो कैंपस है ये 30 एकड़स में जो है कैंपस है, तो इसके अंदर हॉस्पिटल्स भी है, इसके अंदर कॉलेज भी है, हॉस्टल्स भी हैं, और देन इसके अंदर आपको रिसर्च सेंटर भी मिलेगा। तो ओवरऑल जो है 30 एकड़ में अच्छा बड़ा कैंपस है। एंड देन मेन चीज़ जो है इसके अंदर कि काउंट जो है यहाँ पेशेंट्स के अच्छे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 1200 प्लस कम से कम जो है यहाँ पर डे जो है पेशेंट्स आते हैं जाते हैं यहाँ से। तो जो है देखा जाए तो ये मल्टी स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज़ का जो है सुविधा दी जाती है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स जो PGs वगैरह हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है यहाँ पर, और UG आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पेशेंट्स को आपको ट्रीट करने को मिलेगा, तो नॉलेजेबल होगा इन फ्यूचर के लिए आपको। तो बात करते हैं अब सीट की, तो सीट जो है आप देख पा रहे हैं कि 250 सीट तकरीबन जो है यहाँ पर हैं, लास्ट जितने भी मेडिकल कॉलेज अपन ने कवर करे प्राइवेट सब में 150 थी, यहाँ पर जो 100 सीट ज़्यादा हैं, तो यहाँ कैपेसिटी आप देख पाएंगे कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि आपको 250 स्टूडेंट्स को यहाँ जो है परमिशन दे चुकी है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू कि 250 स्टूडेंट्स की यहाँ सीट अवेलेबल है, क्योंकि सीट जो डिपेंड करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉलेज की कि इतनी सीट्स जो है उसको मेंटेन कर पाए। और देन बात करते हैं कोर्स की, तो जैसे BDS के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ जो एनुअल फीस है 10 लाख 90,000 रुपीज़ है, और फर्स्ट ईयर में जो आपके 25,000 लग के
जो है आपको 11,15,000 समथिंग जो आपकी फीस लगेगी फर्स्ट ईयर की। देन आगे जो 4.5 साल तक की जो आपकी फीस रहेगी वो 10,90,000 रहेगी। ड्रॉबैक बताना चाहूँगा इसका कि एक ड्रॉबैक ये रहेगा इसका कि रूरल एरिया में मेडिकल कॉलेज है। अगर आप इंदौर सिटी में हैं या इंदौर सिटी से आप आसपास चाहें कि मिल जाए कॉलेज और आपके मतलब आपका होम टाउन हो वहाँ पर, तो वहाँ से जो है थोड़ा डिफरेंस है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। ये रूरल एरिया में गांव साइड में है, जो हॉस्पिटल है और पूरा कैंपस है इस्टेब्लिश है, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स के लिए कि फैसिलिटीज़ वहाँ जो है थोड़ी विलेजर टाइप की, रूरल टाइप की मिलेगी आपको। लेकिन अगर ओवरऑल आप कैंपस में रहेंगे तो वहाँ आपको ऐसा फील नहीं होगा। बट और देन हॉस्टल की बात करें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख, मीन 1 लाख से 1.5 लाख तक का जो है इसकी जो है फीस होती है अराउंड। वो पीजी स्टूडेंट जो है वो 888 स्टूडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। देन जो है पीजी जो स्टूडेंट है 294 अवेलेबल हैं। यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 888 स्टूडेंट हैं। एंड इंटर्न जो होते हैं वहाँ पे 184 समथिंग है, और सेपरेट रहेगा बॉयज़ का गर्ल्स का जो है सेपरेट रहेगा। देन जो है यहाँ कैंपस में रेजिडेंशियल एरिया भी दिया है टीचर्स का, और नॉन जो टीचिंग स्टाफ होता है उनका अलग से रेजिडेंशियल एरिया भी है। मील्स में जो है मेज फैसिलिटीज है, 4 टाइम मील दिया जाएगा आपको। जैसे जानते हैं आप, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, लंच एंड देन इवनिंग स्नैक और देन डिनर दिया जाएगा। क्वालिटी वाइज हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा यहाँ पर। एंड देन स्टाफ वगैरह जो है हाइजीन का ध्यान रखते हुए, मेंटेन करते हुए स्टाफ रखा गया है यहाँ पर, तो कोई इश्यूज नहीं आएगा। और आप चाहें तो आपको डाइट चार्ज वगैरह प्लान भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा आपको। एंड देन लाइब्रेरी जो है अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर आपको जो है मेडिकल साइंस की बुक्स के साथ साथ जो है बाहर की जो फॉरेन की जो न्यूज़ वगैरह आती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, इंडियंस एंड फॉरेन जो जर्नलिस्ट होती हैं उसके अलग अलग ब्रांच की जो भी मेडिकल जो रिसर्च होती है वो भी अलग मैगजीन मिल जाएंगी आपको। क्योंकि ये रिसर्च सेंटर की तरह भी खुला है, तो इसमें आपको जो है लाइब्रेरी के अंदर आपको इजीली जो है बैठ के सेल्फ स्टडी करने का भी आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल उसके मुकाबले में आप देखा जाए तो लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। बात करते हैं लेक्चर थिएटर की, तो यहाँ पर जो है 300 कैपेसिटी वाला जो है लेक्चर थिएटर है यहाँ पर। तो आपको जो है यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाएगी यहाँ पर। आपको जो है जो टीचर्स जो पढ़ाएंगे वहाँ पर वो ऑडियो के साथ जो है माइक वगैरह के साथ जो है अच्छे से मतलब एडवांस तरीके से जो है स्टडी की जाएगी। तो कैपेसिटी आप देख पाना लेक्चर्स की। देन ऑडिटोरियम आप देखें तो ऑडिटोरियम में कैपेसिटीज जो है आप देख पा रहे हैं कि 2,000 स्टूडेंट्स की जो है सीट्स कैपेसिटीज है यहाँ पे ऑडिटोरियम की। तो इसलिए इजी को स्टूडेंट्स को जो बाहर के जो इंटर्न जो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो है जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं एंड देन जो बाहर के गेस्ट आते हैं उनके हिसाब से जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाती हैं इसके अंदर। बाहर के जो मेडिकल कॉलेज के आसपास जो हैं वहाँ से भी जो है इंटर कॉलेज के हिसाब से जो कॉन्फ्रेंस होती हैं एंड देन सेमिनार्स होते हैं वो यहाँ इजीली हो जाते हैं। देन स्पोर्ट्स की बात करें तो ग्राउंड है यहाँ पर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एवरीथिंग जो है आपको अवेलेबल मिलेंगी। आपको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो आई थिंक मैंने सब चीज़ें कवर कर ली, हॉस्टल मेस एंड देन जो ड्रॉबैक था एक उसका फीस भी कवर हो चुकी है, सीट्स एंड देन जो है हॉस्पिटल भी कवर कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और भी इंफॉर्मेशन। और एक चीज़ ये है कि रिसर्च सेंटर भी है, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये रहेगा कि आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं मेडिकल के साथ साथ। तो पीजी स्टूडेंट्स भी साथ में रहेंगे तो आपको जो है नॉलेज मिलती रहेगी यहाँ पर, आपको गाइड करते रहेंगे वो भी। तो ओवरऑल बेस्ट है। आई थिंक मैं सब कवर कर चुका हूँ। और भी अगर आपको और कॉलेजेस पे कुछ वीडियोस चाहिए हो और कुछ आपको जो कुछ नॉलेज चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।